अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं क्रमल हक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आपका लास मीडिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोलर पैनल है हमारी पंजाब हुकूमत जो सोलर पैनल दे रही है वो किस बुनियाद पे दे रही है, कि उसके जो अहल होंगे वो कौन से बंदे होंगे और कितनी यूनिट्स वाले होंगे। दोस्तों ये सोलर पैनल कितने लोगों को मिलेंगे और इसके लेने का तरीका क्या होगा और ये किस तरीके से मिलेंगे, कुरान दादी से मिलेंगे या हर बंदे को मिलेंगे जिसके पास शनाख्ती कार्ड है और वो पंजाब का है। दोस्तों इस वीडियो में तमाम इस टॉपिक के पे बात होगी, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों ये जो सोलर पैनल होंगे, जो फेज़ वन है, जो इसका भी लॉन्च होने वाला है, अभी लॉन्च हुआ नहीं है, जो आपको तरीके बताए जाते हैं खरीदारी के कि इसको किस तरह जो इसकी रजिस्ट्रेशन की जाए वगैरह वगैरह, तो सब झूठ होता है क्योंकि अभी तक इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू ही नहीं हुई। तो दोस्तों इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीका ये होगा कि ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन होगी और वो उस पर उसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होंगे वो एक आपका बिल होगा जिस पे आपका जो आपका बिल है उस पे जो यूनिट्स होंगे वो आपके पिछले जो करीबन 6 मंथ हैं उनके जो यूनिट्स हैं वो 100 से ऊपर नहीं होने चाहिए, 100 से कम होने चाहिए, तब आप इसके अहल होंगे। और दूसरी बात ये दोस्तों कि आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए पंजाब का, और तीसरा एक फ़ोन नंबर आपको ज़रूरत होगा, मोबाइल नंबर जो आपके अपने नाम पे रजिस्टर्ड हो। ये 3 चीज़ें ज़रूरत होंगी सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और दोस्तों ये हर शनाख्ती कार्ड पे बताया जाता है कि हर शनाख्ती कार्ड होल्डर को ये मिलेगा, तो लाइक ये बात झूठ है। ये सिर्फ 50,000 बंदों को पहले फेज़ वन में दिया जाएगा जिनके यूनिट 100 से कम होंगे। तो जो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराई, अगर 1 लाख बंदे की रजिस्ट्रेशन हो गई, 1 करोड़ बंदे की रजिस्ट्रेशन हो गई, तो उस पर फिर कुरानदाजी की जाएगी, जिनके नाम कुरानदाजी में शामिल होंगे उनको सोलर सिस्टम लगा कर दिया जाएगा। और ये सोलर सिस्टम कौन सा होगा और कितने किलोवाट का होगा, तो दोस्तों क्योंकि ये सिस्टम लगाया जा रहा है जिनकी 100 से कम यूनिट्स आती हैं, तो उनकी जो बिजली का इस्तेमाल है क्योंकि वो कम होता है, करीबन 1 किलोवाट के अंदर उनका इस्तेमाल होगा क्योंकि वो पंखे वगैरह इस्तेमाल कर रहे होंगे और लाइट्स वगैरह। तो ये बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि 100 से कम यूनिट्स वाला वही बंदा होगा जो गरीब बंदा होगा और उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम होगा। तो ये जो 100 से कम यूनिट्स वाला बंदा होगा उसका जो लोड होगा वो 1 किलोवाट के अंदर होगा, तो उसको 1 किलोवाट का सिस्टम लगा कर दिया जाएगा जिसमें बैटरीज भी शामिल होगी, क्योंकि ये 1 किलोवाट का सिस्टम होगा तो इसके साथ 1 बैटरी इस्तेमाल की जाएगी, तो 1 बैटरी होगी। और करीबन अभी तक जो डिटेल्स हैं वो आई तो नहीं है, तकरीबन 3 सोलर पैनल इस सिस्टम में शामिल होंगे, जो बड़े सोलर पैनल हैं जो 500 से ऊपर के सोलर पैनल होते हैं वाट के, वो सोलर पैनल्स इसमें करीबन 3 शामिल होंगे, हो सकता है 4 भी हों, लेकिन फिलहाल ये जो उम्मीद रखी जा रही है कि 3 सोलर पैनल में इसका जो साथ दिए जाएंगे वो 3 सोलर पैनल होंगे, और बकाया जो वायर ब्रेकर वगैरह हैं वो सब कुछ इसके साथ आपको मिलेगा। हो सकता है कि जो टीम है वो आए और आपको इंस्टॉल करके भी ये सिस्टम खुद ही दे। जो ये सोलर प्रोजेक्ट पंजाब में शुरू हो गए हैं इनके लिए जो बजट मुख्तस किया गया है करीबन 12.6 मिलियन रुपए का जो बजट है इसके लिए मुख्तस किया गया है, और अनकरीब पंजाब के किसी एक शहर को जो बड़ा शहर होगा उसमें जिसमें बहुत ज़्यादा खपत होगी बिजली की उसको सोलर सिटी बना दिया जाएगा, क्योंकि उसके जितना भी उसका लोड होगा तमाम छतों पे सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे और उसकी जितनी भी बिजली की ज़रूरत होगी वो तमाम सोलर पैनल से मुहैया की जाएगी और वो ज़रूरत पूरी की जाएगी, और एक शहर को पूरा जो है सोलर सिटी बना दिया जाएगा और उसको पूरा सोलर सिस्टम पर ही चलाया जाएगा। तो इससे फ़ायदा हमको ये होगा कि जो शहर में रहते हुए लोग होंगे उनको बहुत ज़्यादा सस्ती सोलर की बिजली जो है वो मुहैया की जाएगी, क्योंकि जो ईंधन से बिजली बनाई जाती है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सस्ती बिजली मिलने वाली है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। इसके मतलब जो